गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जार्ज पंचम के नाग इस पाठ का हम जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, इसमें अगला हमारा क्वेश्चन है सातवां नंबर पर जो प्रश्न था उसको हमने पूरा किया था। आठवें नंबर के प्रश्न में हमारे से एक क्वेश्चन किया गया है कि जार्ज पंचम पर किसी भारतीय नेता यहां तक कि हमारे भारत के बच्चों तक की नाक फिट न होने की बात को कहकर लेखक ने क्या संकेत किया है, क्या इशारा किया है कि मूर्तिकार पूरे देश में घूमता है और उसे वो नाक नहीं मिलती, पूरे देश में वो घूमता है लेकिन जार्ज पंचम की मूर्ति में जैसी नाक लगी वैसी नाक उसे नहीं मिलती। हमारे देश के नेताओं के बारे में भी लेखक ने कहा कि नाक उसको उन्होंने देखा, महात्मा गांधी और बड़े बड़े हमारे महापुरुषों से भी कतई वो नाक मिलती नहीं थी। इसमें एक बड़ा गहरा व्यंग भी है और एक बड़ा गहरा संदेश भी है लेखक। लेखक का कहना यहाँ पर यह है कि हमारे भारतीय नेता जो थे, जो हमारे शहीद नेता थे, जो महापुरुष थे, जो वास्तव में जननायक थे, वो उनका चरित्र इतना ऊंचा इतना उज्जवल था कि वो कहाँ ये जार्ज पंचम जैसे अत्याचारी हृदयहीन और संवेदनहीन किसी व्यक्ति से मैच करता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तुलना ही नहीं की जा सकती। ये इसमें लेखक का मत है। और महापुरुष तो बहुत दूर की बात है, हिंदुस्तान का छोटा से छोटे बच्चे का संस्कार ऐसा होता है, बड़ा उज्जवल चरित्र का होता है, वो कभी भी ऐसे विदेशी आक्रांता या विदेश के ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति से, उसके चरित्र से बिल्कुल विपरीत हमारे संस्कार होते हैं। ये बड़ा गहरा व्यंग इसमें था कि बच्चों की भी हमारे किसी उस जार्ज पंचम की प्रतिमा से नाक नहीं मिलती थी, अर्थात उसका कैरेक्टर उसका चरित्र नहीं मिलता और ना ही हमारे देश के किसी जननायक का उससे कोई मेल है, कोई तुलना की जा सकती। इसके बाद प्रश्न है कि अखबारों ने, न्यूज़पेपर्स ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। लेखक ने कहा कि कुल मिला के हमारा शासन प्रशासन जो चाहता था वो हो गया, जार्ज पंचम की उस प्रतिमा को सजाने संवारने के लिए उन्होंने एकदम जिंदा नाक का मतलब ये हूबहू बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली ओरिजिनल जिसे कहा जाए, देख के पता ही ना चले कि बाद में लगाई गई नकली या दूसरे पत्थर की नाक है। तो इस तरह की एकदम सटीक बात को अखबारों ने किस तरह से प्रस्तुत किया। तो हमारे अखबार में, सभी अखबारों में खबरें छपी कि जार्ज पंचम ने के लिए एक जिंदा नाक की व्यवस्था की गई और उसे एक जिंदा नाक लगाई गई, यानी कि एक ऐसी नाक जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं दिखती, वास्तविक दिखती है। ये हमारा अगला प्रश्न था। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है, दसवां प्रश्न, कि नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो पूरे पाठ का जो सारांश है वो इस प्रश्न में छिपा हुआ है। विद्यार्थियों, बड़ी गहरा व्यंग इसमें लेखक ने किया है कि नई दिल्ली के पास सब था, पावर था, धन था, लेकिन केवल एक चीज की कमी थी, वो थी नाक। नाक का अर्थ है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और सम्मान। केवल इसी बात की कमी थी हमारे शासकों में, हमारे प्रशासन में, क्योंकि अगर ये सम्मान या आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा जरा भी होता हमारे प्रशासन के पास, हमारे नेताओं के पास, तो वो क्या करते कि कतई जार्ज पंचम की उस प्रतिमा पे इतना खर्च इतना समय ना लगाते, बल्कि उस प्रतिमा को वहां से हटा देते, उसकी जगह हमारे किसी राजनेता, हमारे किसी शहीद, हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे राष्ट्रभक्तों और देशभक्तों की प्रतिमा वहां लगा दी जाती। लेकिन इस ओर हमारे दिल्ली में बैठे शासकों का ध्यान नहीं गया, उन्होंने तो केवल उस जार्ज पंचम को ही, उसी प्रतिमा को ही चमकाने का काम किया। क्यों? क्योंकि उन्हें इंग्लैंड के लोगों को दिखाना था, महारानी एलिजाबेथ को प्रसन्न करना था। तो ये हमारे सम्मान को बढ़ाना नहीं बल्कि हमारे देश के सम्मान को कम करने का कार्य किया गया। इसी पर कमलेश्वर जी ने यह व्यंग किया कि दिल्ली के पास सब कुछ था, धन दौलत पावर सत्ता सारी चीजें थी सिवाय एक चीज के, और वो है नाक। नाक अर्थात स्वाभिमान, इज्जत सम नहीं था।
इसके बाद अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न इस पाठ में है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की नाक लगी उस दिन क्यों चुप थे? क्योंकि उस दिन केवल अखबारों में यह छपा कि एक जिंदा नाक लगाई गई, अर्थात शासन ने अपना जो काम था वो पूरा कर दिया। और उसके दूसरे ही दिन महारानी चूंकि आने वाली थी, तो पूरा का पूरा जो मीडिया था, जो पूरा अखबार था, वो व्यस्त था दूसरी खबरों को छापने में। इसलिए उसने महज उसने भी इतनी बड़ी बात नहीं सोची, या उसका भी ध्यान देश के सम्मान को कम होने, या देश के सम्मान, हमारे देश में बहुत अत्याचार करने वाले ऐसे एक अंग्रेज अफसर की प्रतिमा पर किए गए खर्च की ओर नहीं किया। किसी भी अखबार ने उस पर व्यंग नहीं किया, किसी भी अखबार ने उसे न्यूज नहीं बनाया, बल्कि उनकी तो अपनी व्यावसायिक पत्रकारिता जो थी वो चल रही थी दूसरी खबरों की ओर, महारानी के आने के दौरों की ओर। इसीलिए सारे अखबार उस दिन मौन थे या चुप थे। अब हम फिर मिलेंगे अगली क्लास के लिए। हैव अ नाइस डे।